हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स स्टडी हब. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ द सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स. ओके, तुमने अब तक जब तक 9th 10th में आए हो, यू हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स तुमने पढ़े हैं. ओके, बट यू माइट बी नोइंग दैट व्हाट आर रियल नंबर्स, बट सम ऑफ यू डोंट नो कि रियल नंबर होता क्या है. रियल नंबर मतलब जो रियली एग्जिस्ट करता है, वही रियल नंबर नहीं होता. तो बोल रहे हाँ सामने नंबर दिख रहा है मुझे, हाँ ये रियल नंबर है. सपने में मैंने नंबर सोचा वो रियल, वो इमेजिनरी नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं. ओके, सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, पहले वो हम समझेंगे वो क्या होता है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज द रियल नंबर्स. ओके, सो आई रिटन सम ऑफ द नंबर्स ओवर हियर ऑन द बोर्ड, सो वी विल स्टार्ट विद दैट. ओके, सो द फर्स्ट आई हैव रिटन द सेट व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, that is A belongs to a set which starts from 1, 2, 3, 4, 5 and so on and so on. So this set of numbers which starts from 1 and it ends till infinite and it goes till infinite. So such set of numbers is what you call as a natural number. Such set of numbers is what you call as natural numbers. So ये तुमको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा. तुम बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ते रहेंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा. A set is called as a natural number. The second set that you have, I've written over here is the number is starting from zero. The number starts here from zero and it goes till infinity. That is 1, 2, 3, 4, 5 and till infinity. So the only difference between this number is 0 and यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है. The number which starts from 0 and goes till infinity is what you call as the whole number. क्या बोलोगे उसको? Whole number. But अभी ये दो नंबर हमने पढ़ लिए, but I have a equation. अभी ये दो नंबर से मैं equation solve कर सकता हूँ, देखते हैं. मैंने यहाँ पे एक equation लिखा हुआ है, x plus 5 equals to 2. x plus 5 equals to 2. अभी इस इक्वेशन में मैं कोई भी वैल्यू डालू, इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू डालू, लेट्स से होल नंबर में से डाल दिया, नेचुरल नंबर में से डाल, विल दिस सेटिस्फाई योर इक्वेशन. दैट इज तुम्हें एक से नेगेटिव वैल्यू डालने के बाद आर यू गोइंग टू गेट टू, योर आंसर इज नो. सो यू हैव टू पुट सम नेगेटिव वैल्यू ओवर देयर. क्या डालोगे? यू हैव टू पुट सम नेगेटिव वैल्यू ओवर. लेट अस सी 7-5 कितना होता है? 2 होता है. मैं वो डाल के रखता हूँ. सो आई पुट -7 ओवर हियर, आई पुट x इक्वल्स टू, लेट अस से -7. सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2, -7 प्लस 5 इक्वल्स टू 2. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 2 है क्या? नहीं, दिस इज गोइंग टू बी -2 इक्वल्स टू -2 व्हिच इज नॉट इक्वल. सो दिस मींस x इक्वल्स टू -7 को नहीं डालूंगा मैं. What else I can put is same equation. I'll put x equals to -3. अब ये satisfy करेगा अगर तुम्हारा equation. So that is I'll put -3 + 5 = 2. I'll put -3 + 5 = 2. So this is 2 = 2. Now this satisfy equation. This satisfy your equation. But जो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, क्या ये वैल्यू क्या ये होल नंबर है? आंसर इज नो. क्या एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो. तो भाई ये वैल्यू है क्या? व्हाट इज दिस वैल्यू? सो दिस टाइप ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड एज दिस नेगेटिव टर्म्स और नेगेटिव वैल्यूज आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? इंटीजर. दे आर कॉल्ड एज इंटीजर. नॉट ओनली नेगेटिव वैल्यू, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू टुगेदर फॉर्म्स एन इंटीजर. Okay, so let's see the, I'll put a set that C which belongs to minus infinity से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up till positive infinity. So such set of numbers which consist of zeros, negative as well as positive numbers are called as a integer. So here C is
called as integers. They are called as integers, and they are denoted by capital I. Same in natural number is denoted by capital N, and whole number is denoted by capital W. Okay, this is what we call as the integers. Okay, so the next set that we are going to study, the next type of number, is generally called as rational number. Is generally called as rational number. So what do you mean by rational numbers? Okay, irrational numbers होता क्या? So let us see कि अगर मेरे पास एक वेल इतना मिले, that is a fraction. Generally the fractional terms होते हो, that is what you call as a rational number, irrational के form होते हैं. यहाँ generally का fractional terms होता है. So p by q मेरे पास है, where p is a number and q is such number such that it belongs to. What does it belong to? It belongs to an integer. This q can be any number, it can be positive, it can be negative, but it cannot be zero. That is, q is not equal to zero. तुम बोलोगे सर zero भी integer है तो वो भी हो सकता है, but ऐसा नहीं है. अगर zero हुआ तो तुम्हारा denominator क्या हो जाएगा? The denominator will become zero, and there is no number that has a denominator zero. That is, there is no number that has a denominator zero. Okay, whatever number you have, like one से लेके infinity तक जो भी number होता है, अगर उनके denominator में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि the denominator is nothing but one, only. Okay, so it belongs such that. Now the कौन से number है जिसको हम rational numbers बोल सकते हैं? एक तो वो number जो होते हैं वो terminating होते हैं. वो क्या होते हैं? Terminating. तो terminating का मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं पे जाके उनका division stop होने वाला है. एक particular point पे क्या होगा, division जो होगा वो stop होगा. You will get some number, you are going to get some number. So that is what you call as a terminating. And it is also called as वो recurring होते हैं. They are recurring. Recurring का मतलब क्या होगा कि एक certain period के बाद क्या होगा, there is something that is going to repeat it again. एक number जो होगा decimal के बाद, that is going to get repeated. So जो repeating terms होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो stop करते हैं by putting some mark. Okay, so that is what we call as recurring. Okay, so we are going to see some numbers. Let us say I have 4 by 10. Okay, this is some number. So if I divide this number, what I am going to get? 0.1000, 10 4 is 40. So here you can see it is terminating. एक first decimal पे आके क्या हो गया, ये stop हो गया. So this is what you call as a terminating term. Okay? Let's have an example. It is 25 by 12. I have this number that is 25 by 12. So in this number, if I divide, then it's 12 2 24. Correct? बचा क्या? 1 बचा. अभी यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ, यहाँ पे point आ जाएगा. Okay? So 10 0 0 0, I'll put 1 0 over here. 12 8 का कितना होता है? 96 होता है. Okay? Correct? 12 8 का 96. किसमें से 96 गया, बचा कितना? 4. Now I'll put 0 over here. What I'm going to put? 0. Now 12 3 का 36, कितना बचा? 4. Again I'll put 0 over here. 12 3 का 36, again 4 remaining. So ऐसे क्या हो रहा है? Now you can see the set of numbers in this division. You can see the 3 is getting repeated and repeated only. अभी क्या होगा? 3 repeat होगा. So this is what you call as a recurring term. So इनको stop करने के लिए हम क्या करेंगे? We just write 2.08 and 3 के ऊपर हम bar डालेंगे. We put a bar sign on 3. That means that term is repeating again and again. So this set of numbers is what you call as a, this kind of number is what you call as a rational number. Clear? Okay. So the next type of number that I am having is generally called as, इसका उल्टा ही होगा, that is called as irrational numbers. Okay.
दैट इज कॉल्ड एज इरेशनल। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सब तुम बोलोगे सर जो रैशनल नहीं वो बच्चे हो गए क्या है इरेशनल। ओके यू आर करेक्ट, वो इरेशनल ही हो गए। बट हम उनको पहचाने कैसे कि वो इरेशनल है? सो इट इज टोटली अपोजिट ऑफ योर, इट इज टोटली अपोजिट ऑफ योर रैशनल नंबर। अपोजिट मतलब क्यू ओपन पी नहीं हो जाएगा, वो पी ओपन क्यू ही रहेगा। ये पूरा टर्म जो रहेगा ये सेम ही होगा, दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी सेम। दैट इज पी बाई क्यू इज अ नंबर वेयर पी इज कॉमा क्यू इज बिलोंग्स टू एन इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक सेम, बट आगे की चीजें क्या होते हैं? इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और यू कैन से एज नॉन रेकरिंग, यू कैन से एज नॉन रेकरिंग। इनका मतलब क्या होता है? ये दोनों चीज का मतलब इतना कुछ है ना, बड़े वर्ड लग रहे हैं हमें, बट छोटा सा मीनिंग। व्हाट डज इट मीन दैट ये जो नंबर यहाँ पे देख रहे थे तुम्हें रिपीट हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, ओके एक सर्टेन पॉइंट के बाद। नॉन रेकरिंग मतलब यू वोंट बी हैविंग एनी रेकरिंग टर्म, दैट मीन्स द नंबर आर नॉट गोइंग टू गेट रिपीटेड, नंबर्स आर नॉट गोइंग टू गेट रिपीटेड आफ्टर डेसिमल। जो भी नंबर तुम लिखते हो वो एक कंटिन्यू फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कोई नंबर है, आई एम टेकिंग एनी रैंडम नंबर, ओके इसका कोई डिवीजन वो नहीं होता, जस्ट ओके। सो लेट्स से इट हैज अ कोई भी नंबर जिसका डिवीजन आई एम गोइंग टू गेट 0.1 3 4 8 7 3 2 1 and it will go on so on। कुछ भी चीजें वापस रिपीट नहीं होगी, कुछ भी चीजें वापस क्या होगी रिपीट नहीं होगी, मतलब सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होगी। तुम बोलोगे सर 3 तो यहाँ पे रिपीट हुई तो ये रैशनल हो गया। अब इस रिपीटिंग का मतलब एक टोटल सेट ऑफ नंबर रिपीट होंगे। अब यहाँ पे 3 रिपीट हुआ बट इसके बाद में वापस 4 हुआ क्या? नहीं। सो दिस नंबर रिपीट होंगे बट सेट ऑफ नंबर जो होते हैं एक सेट होता है, एक कोड होता है, वो कोड वापस क्या होगा रिपीट नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन रिकरिंग नंबर। ओके सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो सकता है? दैट इज इट विल बी लेट्स से 0.1010111000 like 01 ऐसे क्या होगा? जिस नंबर विच गोज अप इज कॉल्ड एज अदर नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। एंड जो भी रूट वाले टर्म्स होते हैं विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले टर्म, जैसे रूट टू हो गए, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, दिस इज रूट टू एंड दिस इज रूट थ्री, ये नंबर्स हो गए। ये क्या कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहे हैं। इनके नंबर्स को अगर तुम सॉल्व करोगे, इफ यू there are different different types of calculus, कुछ तुम्हें 19 digits तक देंगे, कुछ 6 digits, कुछ 10 digits, तो उसका अगर तुम solve करोगे सब पे तुम्हें क्या मिलेगा? इसका value will go to your maximum digits of your calculator. It doesn't have any perfect square root. It doesn't have any perfect square root. These are called as irrational numbers. Okay? So I hope तुमने ये सब अपने book में लिख ही लिया होगा. So I am loving this. So the next term that I have is what you call as a next चीज है वो होती है real number। अभी हम पहुंचे इस पे हमारा जो main chapter that is called as real numbers। तो ये सब क्या हमने फालतू में पढ़ा नहीं, इसका यहाँ पे काम है। ओके सो what is real numbers? Is real number is nothing but the union of लेट्स से रैशनल नंबर हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये रैशनल नंबर हम क्यू डैश से, ओके रैशनल नंबर क्यू से और ये रैशनल नंबर क्यू डैश। तो रियल नंबर इज नथिंग बट इट इज द यूनियन ऑफ, इट इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ योर रैशनल नंबर एज वेल एज द इरेशनल नंबर। दिस इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ योर रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। सो यूनियन मीन्स सारे जो भी क्यू के टर्म्स है वो रियल नंबर है और सारे जो क्यू डैश टर्म है टुगेदर फॉर्म द रियल नंबर। सो यू विल से सर व्हाट अबाउट द होल नंबर जो हमने पढ़ा?
व्हाट अबाउट द इंटीरियर जो हमने पढ़ा, व्हाट अबाउट द नेचुरल नंबर. सो अगर मैंने तुम्हें सपोज एक फ्रैक्शन दे दिया, दैट इज 12 बाय 4, दैट इज 12 बाय 4, इट इज 12 बाय 4, व्हाट इज आंसर 3. सो ये एक रैशनल नंबर है. ओके, दिस इज अ रैशनल नंबर बट इट हैज सम वैल्यू दैट इज अ रियल नंबर और अ होल नंबर और अ इंटीजर. गेटिंग? हमेशा तुम्हें पॉइंट पे तो आंसर नहीं आया. सो यहाँ पे तुम्हारा काम क्या होता है इसका. सो लेट्स से अभी हम इससे क्या कंक्लूजन कर सकते हैं. एट लास्ट व्हाट वी कैन कंक्लूड, तुम्हारा सेटसन रिलेशन 9th स्टैंडर्ड तुमने पढ़ा ही होगा. सो व्हाट यू कैन से, यू जो तुम्हारा नेचुरल नंबर है, योर नेचुरल नंबर इज नथिंग बट सबसेट ऑफ योर होल नंबर. योर नेचुरल नंबर इज नथिंग बट योर सबसेट ऑफ होल नंबर. योर होल नंबर इज नथिंग बट योर सबसेट ऑफ इंटीजर्स. अब सबसेट क्या होता है, उस चीज उस पर्टिकुलर सेट के नंबर दूसरे सेट के सारे नंबर में अवेलेबल होंगे. जैसे नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से और जो होल नंबर है वो 0 से. तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सबसेट, कि ए के सारे सबसेट वैल्यूज बी में प्रेजेंट है. सो ए विल बी द सबसेट ऑफ बी. ओके, सो एन इज अ सबसेट, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, योर इंटीजर इज सबसेट ऑफ, योर इंटीजर इज सबसेट ऑफ व्हाट, योर इंटीजर इज सबसेट ऑफ योर रैशनल नंबर दैट इज q, और योर इंटीजर इज योर सबसेट ऑफ q dash, दैट इज योर इरैशनल नंबर. सो टुगेदर दिस यूनियन इज नथिंग बट योर रियल नंबर. सो आई कैन से दिस होल इज अ सबसेट ऑफ, दिस होल इज सबसेट ऑफ योर रियल नंबर. समझे? सो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर योर चैप्टर दैट इज रियल नंबर. So next exercise, we'll see in the next lecture. Thank you.